जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है उसकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और या बीइंग अ बिग बॉस फैन, मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स आते हैं और यू नो ही इज़ इन यू नो वट एवर स्पेस ही इज़ इन, ही इज़ हैप्पी इन इट, एंड बहुत ज़रूरी होता है इंसान का। सो मैं एक्चुअली आज सुबह ही मैं आई वॉज़ इन मस्कट और मैं 2 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड की है और क्योंकि मेरा मैं कुछ आई थिंक 15 दिन से इंडिया में नहीं थी तो मेरा कपड़े सब मैंने ट्राई किए हैं और खाना खाया है तो बहुत ही हबड़ता हुआ हुआ है। कोशिश ये थी कि 45 मिनट्स में रेडी हो जाऊँ बट 45 मिनट्स में नहीं रेडी हो पाई तो मुझे 1 घंटा 15 मिनट कुछ लगा है। एक्चुअली दोनों ही चीज़ों की लिए गई थी, काम के सिलसिले में भी गई थी और क्योंकि गई नहीं थी बहुत टाइम से बाहर तो सोचा कि थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी। मैं कैसे बताऊँ मैं किस कैटेगरी में, अंजलि को पता मुझे नहीं पता आई लास्ट अंजलि मैंने बोला ना मैं अभी आज ही आई हूँ, मुझे कुछ होश नहीं है, मैं अभी टाइम जोन में अटकी हुई हूँ। हाँ आप लोगों ने ना बिल्कुल बस आप सारी गप निकाल लीजिए मुझसे, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वेरी हैप्पी यार, बहुत खुश हूँ मैं, आप लोग आपसे भी मुझे आपसे ही पता चल रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भाई किसका है, मेरा है ना। हाँ नहीं मैंने कोई एडवाइस नहीं दी उसको और बस मेरी मतलब जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है उसकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और या बस अच्छा करते रहे, सेफ्टी के साथ करता रहे, खुश रहे, दैट्स इट। आई थिंक मतलब मेरा जो भी उसका जैसे भी वो करता है ही इज़ इन यू नो वट एवर स्पेस ही इज़ इन, ही इज़ हैप्पी इन इट, एंड बहुत ज़रूरी होता है इंसान का जो वो है वो रहना, तो वो अगर वो स्पेस में है जहाँ पे वैसा है वो खुश है तो एंड ऑफ द डे मुझे उससे ज़्यादा यू नो कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। सो या हाँ आऊँगी ना, क्यों बताऊँ मैं खतरों में कैसे आऊँगी मैं, ये क्यों बताऊँ मैं आपको, हो सकता है मैं शूट करके आ गई हूँ है ना, बाहर थी मैं, यू नेवर नो। देखना चाहूँगी तो पता नहीं बट लेट्स सी, जो भी रहेंगे आई एम श्योर एंटरटेनमेंट लाएंगे एंड या मज़ा आना चाहिए देखने के लिए, फ़न होना चाहिए एंड या बीइंग अ बिग बॉस फैन, मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स आते हैं और यू नो इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी दैट, सो या लुकिंग फॉरवर्ड। उनसे मैं उनको मैं हमेशा ही बोलती हूँ बट उनसे मैं यही बोलूँगी कि थैंक यू इतना प्यार देने के लिए और हमेशा सपोर्ट देने के लिए एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए, थैंक यू।